नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हम अपने अभ्यर्थियों के साथ में ऑपरेशन के बाद में छुट्टी के समय है और ऑपरेशन के बाद जो चिंता के मुख्य बिंदु है कि घर पे पट्टी कैसे खोलें, क्योंकि सभी अभ्यर्थी बहुत दूर दराज से हैं, कोई 1700 किलोमीटर से, कोई 2500 किलोमीटर से है। संसाधनों के अभाव में, केंद्रों के अभाव में आप घर पे साधारण तरीके से ये पट्टी खोल सकते हैं और उसकी विधि हम आज यहाँ मेथडोलॉजी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपने अभ्यर्थियों का परिचय चाहेंगे। मेरा नाम दीपक चैन है जी, उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ जी। मैं आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे को अभी कान में पॉइंट ही दिया था आर्मी कहाँ से, तो मेरे साथ वाले यहाँ ऑपरेशन करा के गए थे कि जयपुर जा, अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में जा। वैसे बेस्ट कहने की जरूरत नहीं है, काफ़ी बेहतरीन है ये, वैसे ही बेस्ट है ये। और ऑपरेशन के टाइम ऐसा लगा नहीं कि ऑपरेशन हो रहा है, पता तक नहीं चला कि ऑपरेशन हुआ करके, और अभी मेरे को अच्छे से सुनाई दे रहा है इस कान से। तो मैं अपने पिथौरागढ़ के जितने भी भाई लोग हैं इस परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको यही बताना चाहूँगा कि मतलब यहाँ आए, यहाँ से ऑपरेशन करा के जाएँ। थैंक यू, आपने हमारे छोटे से केंद्र में बहुत विश्वास रखा और ये आपके और आपके पिताजी का परिश्रम है, वो यहाँ तक पहुँचे और उन्होंने विश्वास रखा और आज आपका ये काम संपन्न हो गया, आज आपका डिस्चार्ज हो रहा है, हमें बड़ी खुशी है। और साथ में आपके पिताजी, आपसे भी हम आपके अनुभव जानना चाहेंगे, कैसा रहा आपका अशोक बेस्ट हेल्थ केयर का अनुभव? अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में अच्छा अनुभव रहा हमें, हम 2500 किलोमीटर दूर से आए लगभग जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम भवानी चंद जी, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़, दातला तहसील के निवासी हम लोग जी। मैं अपने बेटे दीपक चंद को लेके आया हूँ यहाँ पे जी। हमने यहाँ के हॉस्पिटल अशोक बेस्ट हेल्थ केयर का नाम सुना था जी। जैसे यहाँ से एक लड़का गया था ऑपरेशन करा के, उसने बताया कि वहाँ पे बेस्ट इलाज मिल जाएगा, वहाँ पे जाओ। हम यहाँ पे आए और अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करके जा रहे हैं। आप 45 दिन बाद शायद चेकअप कराने आएंगे जी, या डॉक्टर साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साथ में हमारे अभ्यर्थी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विक्की कुमार है, मैं कटिहार बिहार से आया हूँ जी। मैंने अशोक बेस्ट हेल्थ केयर के बारे में यूट्यूब के माध्यम से जाना था और मेरे गाँव का ही बगल के एक अभ्यर्थी थे जो कि पहले यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए थे, उन्होंने बताया कि यहाँ दर्द रहित और पेनलेस ये इलाज होता जी, है। जी, मैं जी। पहले अपने पेरेंट्स से बात किया, फिर डॉक्टर साहब से बात की जो कि मुझे समझाए बहुत अच्छे से, और उसके बाद मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आया हूँ। और मुझे अशोक बेस्ट हेल्थ केयर पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला और ऑपरेशन के दौरान मुझे कोई भी पेन या दर्द का महसूस भी नहीं हुआ। इसके लिए मैं सर को और अशोक बेस्ट हेल्थ केयर पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता। थैंक यू। आपने यहाँ की दूरबीन पूर्ण आंतरिक पद्धति, दर्द रहित पद्धति में विश्वास रखा, आप यहाँ पहुँचे, आपने उपचार लिया। बहुत सारे लोगों को ये डर होता है कि मेरे कान का ऑपरेशन होगा, कान को काट करके साइड में रख दिया जाएगा और ड्रिलिंग होगी, चीरे लगेंगे और न जाने कितने समय में वो कान का जो घाव है वो भरेगा, और चिंता और बढ़ जाती है जब दोनों कानों का ऑपरेशन एक साथ होना हो। तो ऐसी स्थिति में दूरबीन पद्धति से कान का ऑपरेशन बहुत ही सरल सुलभ तकनीक है, दर्द रहित तकनीक है, क्विक रिकवरी, आप जल्दी अपने काम पर लौट सकते हैं, ये सारे फायदे आपको मिलते हैं। आपके दोनों कानों का ऑपरेशन एक साथ हुआ yes. तो आपको जो डर था ऑपरेशन के बाद में, आपको कैसा लगा, क्या वैसा ही दर्द कुछ हुआ? नो सर, मुझे ऑपरेशन के पहले भय सा लगता था कि क्या होगा, नहीं होगा, दर्द होगा या बहुत दर्द होगा, लेकिन ऑपरेशन के दौरान मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और कोई भी दर्द या चीरा कांटा का कोई भी निशान नहीं लगा और बहुत ही पेनलेस ये सर्जरी मेरा सफल हुआ। और मुझे अभी बहुत अच्छा फील आ रहा कि मैं बहुत अभी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू। आपने पूरा यहाँ का सिस्टम फॉलो किया और उसकी वजह से ये सब कुछ बड़े आसानी से हो गया। और नेक्स्ट हमारे कैंडिडेट हैं, आप अपना परिचय दीजिए। अच्छा भाई, आपका परिचय दीजिए, नाम बताइए। कल बंगाल से आया, कलकत्ता से जी। मेरा नाम साबित मंडल जी। मेरा कान दुकान छीत बराबर छीतवा
दोस्त अपना बैठा रहते हैं जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, इसकी वजह से लगभग ऑपरेशन के 12 घंटे बाद आप हमारे साथ में हैं और आज आपकी छुट्टी हो रही है, या जैसा आप चाहेंगे वैसे शीघ्र अतिशीघ्र छुट्टी होगी। ऑपरेशन में कोई दर्द तो नहीं हुआ? नहीं, नहीं, दर्द नहीं। ठीक है ठीक है। साथ में है हमारे अभ्यर्थी के परिजन, अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। सर मेरा नाम सुशील कुमार है जी, और मैं बिहार से हूँ, कटिहार से जी। यहाँ आया, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा लगा और यहाँ का जितने भी स्टाफ हैं बहुत अच्छे बिहेवियर का है और कोई चीज का दिक्कत नहीं हुआ हम लोग को। थैंक यू, आपने हमारे छोटे से सिस्टम को सराहा। यहाँ रहा 4 दिन, हम लोग को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई हम लोग को, और बहुत अच्छा साथ मिला सबका। साथ में आपके परिजन, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम टुंपा है, मेरा हस्बैंड यहाँ पर आया है, ऑपरेशन कर ले मिली है, दो कान में छीना था, ऑपरेशन कर अच्छा से सक्सेसफुल हुआ सर। यहाँ रहने और इलाज के दौरान आपको कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा है सर। थैंक यू। और अब हम अपने मुख्य बिंदु पे आएंगे कि 10 दिन बाद में जो ये पट्टी है इसे कैसे खोलें। देखिए कान की पट्टी, कान की पट्टी खोलने की विधि बहुत ही आसान है, सरल है, सुलभ है। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये कान का छिद्र है, इसमें ये ड्रेसिंग रखी गई है, रोलर बैंडेज के अंदर रखा गया है और उसके ऊपर गौज पीस रखा गया और उसे माइक्रोपोर से कवर किया गया है। ठीक है, कान के पिछले हिस्से पे किसी प्रकार का कोई कट चीरा निशान नहीं है, इसलिए डरने की भयभीत होने की कोई बात नहीं है। इसे खोलने के लिए सबसे पहले हमें प्रेशर कुकर में पानी को उबाल लेना है और स्टरलाइज कर लेना है, जीवाणु रहित कर लेना है। हाथ को साबुन से धोने के बाद में सैनिटाइजर अल्कोहल युक्त द्रव्य से साफ करने के बाद में सुखा लेना है और पट्टी खोलने से पहले जो आपकी गौज पीस है इसे ड्रॉप से, जो भी एंटीबायोटिक ड्रॉप आपके पास है उससे गीला कर देना है, सॉफ्ट कर देना है। बाहर का गौज पीस हटाने के बाद में आपको कान के छिद्र पर जो रोलर बैंडेज दिखाई देगा वो सख्त दिखाई देगा और वो लाल भूरे रंग का होगा, कुछ केसेस में काला भी दिखाई दे सकता है, बीटाडीन ऑइंटमेंट उसमें होता है। उसे सॉफ्ट करने के बाद में उसे हम धीरे धीरे खींच लेंगे और वो बस स्वतः ही निकल करके बाहर आ जाएगा, जिसका वीडियो भी आप लोगों को दिया जाएगा ताकि आप घर पे आराम से ड्रेसिंग को खोल सकें। ड्रेसिंग खोलने के बाद में जो आपने वो कॉटन को बॉयल किया है उसे निचोड़ करके उससे क्लीन कर लेंगे। कान के छिद्र के अंदर लाल भूरे रंग का सीमेंट रहेगा, जेल फोम रहेगा, उसे नहीं कुरेदना, उसे नहीं छेड़ना है, वो स्वतः ही घुल जाएगा जब आप मेरे पास 45 दिन पाएंगे, और जो बचा हुआ जेल फोम उसे मैं क्लीन कर दूंगा या निकाल दिया जाएगा। आपके मन में कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, कोई चिंता का कोई विषय, आप कुछ जानना चाहते हैं? सर जैसे कि यहाँ से जाएंगे जी 10 दिन के बाद तो दवाई मेरा खत्म हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, 10 दिन पे आपको जो दवा दिया गया है वो 10 दिन का दवा है। अब 10 दिन पे आप अपने कान का फोटो ड्रेसिंग करने के बाद में फोटो मुझे भेजेंगे, आगे की दवा को रिक्वायर्ड होगी तो मैं आपको मैसेज करूंगा और दवा प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। ठीक है ठीक है। कान के ऑपरेशन के बाद कान से सीटी बजने की आवाज आना, पटपट की आवाज आना, चटचट की आवाज आना, विचित्र आवाज आना, ये सामान्य बात है। जेल फॉर्म की प्रवृत्ति में परिवर्तन व आंतरिक चल रहे परिवर्तनों की वजह से ये आवाजें आ सकती है। खाना निकलते वक्त पट की आवाज, गट की आवाज आएगी, ये बहुत ही कॉमन है। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे फोन करते हैं कि सर मैं जब भी पानी पी रहा हूँ पटपट की आवाज आ रही है, क्या मेरा पर्दा तो ठीक है? तो उससे हमें बिल्कुल चिंतित नहीं होना है, अपना सामान्य काम सामान्य रूप से करते रहना है। हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है खांसी और जुकाम का, क्योंकि कान की बीमारी का पूर्णतः संबंध नाक से है। हमें ऑपरेशन के बाद भी नाक को पेटेंट रखना है, नाक का स्प्रे आपको दिया गया उसे चालू रखना है, नाक को खुला रखना है। नाक बंद होने की स्थिति में आप तुरंत यहाँ संपर्क करें, अपनी दवा ले लें, लिखवा लें। ठीक है ओके। और कोई किसी के मन में कोई प्रश्न आप कुछ जानना चाहते हैं? ऑपरेशन के बाद सर 10 दिन जब हम दवाई खाएंगे उसके बाद खान पान में क्या ध्यान रखें? खान पान के लिए आपको डाइट चार्ट दिया गया है, उसमें हमें विशेष रूप से जो ध्यान रखना है, नहीं करना है, वर्जित है, वो है स्मोकिंग, शीतल पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ऐसे वो सभी पदार्थ जिनसे हमें कोल्ड एलर्जी होती है वो सब हमें अवॉइड करना है। सामान्य खाना हमें सब कुछ खाना है, फल फ्रूट में फल फ्रूट पूर्ण मात्रा में काट करके दोपहर के समय हमें खाना है, उनका जूस बनाकर नहीं पीना है, जूस से वापस कोल्ड होने की संभावना रहती है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, हाँ कुछ जानना चाहते हैं? सर ये
बिल्कुल 10 दिन बाद में आप हेलमेट पहन करके अंगोछा बांध करके हेलमेट पहन करके मोटरसाइकिल ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। कॉलेज वगैरह बिल्कुल जा सकते हैं आप, पढ़ाई आज से चालू कर सकते हैं, पढ़ाई बिल्कुल शुरू करें, कॉलेज वगैरह भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर कीपिंग ट्रस्ट इन अशोक बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।